एक ऐसा कैरेट जूस बनाने के लिए चलो आज मैं आप लोग को दिखाएगा। मेरा भी जूस बन गया माशाल्लाह, इधर रेडी हो गया, देख सकते हैं। और गाइस अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच। चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरह का कैसे बनाया हमने। फैमिली को अभी मैं इधर ले लिया ग्रेप्स और ओरेंज ले लिया, ठीक है। फिर इसको चॉप करेगा, पंच करके इसको मैं जूस के लिए रेडी कर लूँगा। तो अगर आपको पता चला तो जरूर आप लोग लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज 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 प्लीज। ओके गाइस, सो गाइस मैं इधर ले लिया, आप देख सकते हैं काजू, इसके बाद एलमोंड और ऑलनट्स, इसको चॉप किया गया। ग्रेप्स लिया, ग्रेप्स को मैं चॉप किया गया, थोड़ा सा ज़्यादा चॉप नहीं, फाइन चॉप नहीं किया, बस नॉर्मली थोड़ा सा किया। ये बनाना को चॉप किया गया। और इधर मैं गाजर का जूस ऑलरेडी बना चुका है, इधर आप लोग देख सकते हैं इधर गाजर का जूस है। सो अभी मैं डालेगा, ठीक है गाइस, केला डालेगा, ग्रेप्स डालेगा, ठीक है गाइस, इसको डालेगा और थोड़ा सा बादाम भी डाल देगा इसमें, ठीक है। डाल के मैं क्या करेगा, इसमें डालेगा कैरेट का जूस, देख सकते हैं। वाह, इधर अभी देख सकते हैं ये जूस रेडी हो गया, ठीक है गाइस। फाइनली मैं थोड़ा केला भी डाल देगा और ग्रेप्स भी डाल देगा, तरह का जूस मेरा रेडी है आज का। और मैंने ऐड वो दीजिए बनाने का, आप देख सकते हैं ग्रेप्स बनाना विथ ऑलनट्स एंड काजू, किशमिश नहीं डाला, कैरेट और ब्लैक ग्रेप्स रेडी।